नमस्कार, मैं रंजीत चौहान, आप देख रहे हैं ओनली न्यूज नेशन। पश्चिम बंगाल अब चलेगा कश्मीर की राह। जी हाँ, सब कश्मीर की राह पश्चिम बंगाल चलने जा रहा है। आपने देखा होगा कश्मीर में आतंकवाद था, कश्मीर में अलगाववाद था, कश्मीर में खून खराबा था, लेकिन उसके बाद धारा 370 का खात्मा हुआ और कश्मीर में सब कुछ सामान्य हो गया। अब आपको भी पता है कि कश्मीर की तरह ही बंगाल में आजकल कुछ ऐसा ही हो रहा है। बंगाल में भी खून खराबा होता है, नक्सलवाद होता है और कई कह सकते हैं कि अलगाववाद भी की बात हमेशा उठती रहती है। वहाँ पर भी एक विशेष समुदाय तलवार लेकर सड़कों पर निकल पड़ता है और हिंदुओं को लहूलुहान कर देता है। अब उसका इलाज अब कश्मीर स्टाइल में होने जा रहा है। वो कैसे, देखिए स्पेशल रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर की तरह पश्चिम बंगाल का 3 हिस्सों में विभाजन करने की योजना पर काम चल रहा है। निचली हिस्से को पश्चिम बंगाल कहा जाएगा। मौजूदा पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग के गोरखा इलाके को माने सिलीगुड़ी कॉरिडोर और दार्जिलिंग को अलग राज्य बनाया जाएगा। मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तरी दिनाजपुर, दक्षिणी दिनाजपुर को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा। ये पंक्तियाँ एक निजी अखबार में डॉक्टर भारत अग्रवाल ने अपने नियमित स्तंभ पावर गैलरी में लिखी हैं। अपने इस कॉलम में यह सत्ता के गलियारों से जुड़ी हुई बातें लिखते हैं, जिसकी सुगबुगाहट या फुसफुसाहट पर्दे के पीछे होती है। यह एक तरह से गॉसिप का कॉलम है, पर गॉसिप के कॉलम में भी पश्चिम बंगाल के विभाजन की बात लिखना अहम हो जाता है। इसके बावजूद कि उन्होंने अपनी बात के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा दिया है। दरअसल डॉक्टर अग्रवाल की पंक्तियों पर चर्चा सोशल मीडिया पर भी हो रही है। वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र किशोर ने लिखा कि यदि समस्या कश्मीर जैसी हो तो उपचार भी कश्मीर की तरह होना चाहिए, उपचार भी उसी ढंग का होना चाहिए। किशोर दैनिक भास्कर समूह में काम भी कर चुके। उन्होंने फेसबुक पर लिखा कि खबरों के मूल स्रोत तथा डॉक्टर साहब की पहुँच लाजवाब है। मेरे दैनिक भास्कर के दिनों से ही डॉक्टर अग्रवाल परिचित हैं, वे पेशे से चिकित्सक हैं और राजनीति को अच्छी तरह जानते हैं। माना जा रहा है कि उनकी खबर जो है वो 100% सही है। उनके पोस्ट में आगे लिखा कि वैसे तो इस देश के हाथों से फिसलते जा रहे पश्चिम बंगाल के लिए एकमात्र उपाय वही है जो केंद्र सरकार करने जा रही है। देखना है कि केंद्र सरकार सफल होती है कि नहीं, क्योंकि संवैधानिक अधिकार यदि संसद के पास है तो सड़कों को लोगों से पाट देने की कुवत ममता बनर्जी के पास भी है। अब देखना है कि देश बसता है या ममता की गद्दी। कश्मीर जैसी समस्या जहां है उपचार भी वहां कश्मीर जैसा ही तो करना पड़ेगा। इस गहराती समस्या को अगली पीढ़ियों के लिए तो नहीं छोड़ा जा सकता। कश्मीर का अनुभव कड़वा जा रहा है। आज़ादी के बाद से दशकों तक कश्मीर को बिगाड़ने दिया गया था, लेकिन अब बंगाल को बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा। सिंह मानवेंद्र ने किशोर के पोस्ट पर जब कमेंट किया तो बगैर विधानसभा के प्रस्ताव के ये असंभव है, दीदी ये प्रस्ताव कभी नहीं भेजेंगी। किशोर ने इस पर जवाब दिया, एक जानकार नेता जयमाल रेड्डी ने 2013 में कहा था किसी राज्य के विभाजन के लिए उस राज्य विधानसभा से विभाजन के पक्ष में प्रस्ताव पास कराने की कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है। संभवतः सुप्रीम कोर्ट का भी यही निर्णय है। पत्रकार ओम प्रकाश अस्क टिप्पणी करते हैं, देखना कि केंद्र सरकार सफल होती है कि नहीं, क्योंकि संवैधानिक अधिकार यदि संसद के पास है तो सड़कों को पाट देने की कुव्वत ममता बनर्जी के पास है। ममता बनर्जी हमेशा से सड़कों पर आ जाती हैं, ये सभी जानते हैं। 2019 में 31 अक्टूबर को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्रशासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था। इससे पहले संसद में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पारित कराया गया था। तो जम्मू कश्मीर का तो हल निकाल लिया गया है। जम्मू कश्मीर में जो कुछ चल रहा था आज़ादी के बाद से आज तक, उस पर ठप्पा लग गया है, मुहर उस पर जो है ब्रेक लगा दिया गया है। लेकिन बंगाल में अभी ब्रेक नहीं लगा है। बंगाल में ब्रेक लगाने के लिए उसे जम्मू स्टाइल में ही, केंद्र शासित कश्मीर स्टाइल में ही करना पड़ेगा। और कश्मीर में कैसे क्या किया गया है वो आप और हम अच्छी तरह जानते हैं। बंगाल में भी कुछ ही दिनों में ऐसी कार्रवाई करने की जो मनसा केंद्र प्रदेश ने दिखाई है वो हो सकती है, और उसके लिए हिंदुस्तान को तैयार भी रहना होगा। हम चाहेंगे कि आप अपनी राय वीडियो में दें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही है मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी।
मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन, हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशियन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही है मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन, हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशियन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही है मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन, हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशियन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही है मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन, हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशियन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही है मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन, हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।